आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बाल बढ़ाने से रिलेटेड 21 उपाय, यानी कि 21 उपाय जो मैं बताऊँगी उनमें से आप अगर एक दो भी कर लेंगे तो आपके बाल बहुत ही जल्दी और बहुत ही तेज़ी से लंबे होंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में हम देखने वाले हैं बालों से रिलेटेड कुछ बातें। सबको अपने बाल बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि बालों से सुंदरता बढ़ती है। ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है कि वो अपने बालों को लेकर ये चाहती हैं कि उनके बाल जल्दी से जल्दी लंबे कैसे हों। तो बालों को तेज़ी से लंबा करने के लिए कुछ बातें शेयर करने वाली हूँ। बालों को तेज़ी से लंबा करने के लिए हम क्या करें, तो उससे रिलेटेड आज हम इस वीडियो में देखेंगे घने और मुलायम बालों के लिए 21 उपाय। इससे आपके बाल मजबूत और स्वस्थ रहेंगे, इससे आपके बालों की मजबूती बढ़ेगी। आज के दौर में हर कोई अपने गिरते और झड़ते बालों से बहुत परेशान है। टूटते और झड़ते बालों को लेकर लोगों के मन में इतना डर बैठ गया है कि वो महंगे और केमिकल युक्त ट्रीटमेंट लेने के लिए मजबूर हो गए। अगर आप भी घने मुलायम और लंबे बाल चाहते हैं तो आपको घरेलू उपायों पर गौर करना चाहिए ताकि बालों को पर्याप्त पोषण भी मिले और केमिकल का भी झंझट ना रहे। तो बाल बढ़ाने के 21 उपाय ये हैं। नंबर 1 है, नींबू के रस में नारियल का तेल मिलाकर लगाएं। जैसे माँ तेल यूज़ करते हैं ना बालों में, वैसे ही नारियल और नींबू को मिक्स कर तेलों बालों में यूज़ करें, पूरे बालों में लगा लें एंड यहाँ पर भी अपने स्कैल्प पर भी मसाज करें, इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। सेकंड सॉल्यूशन है हमारा, अंडे में 2 चम्मच ऑलिव ऑयल मिलाकर मालिश करें। हमारे अंडा होता है, जो अंडा ले लिया एंड उसका जो लिक्विड वाला पार्ट है उसको कटोरी में डालकर एंड उसमें 2 चम्मच ऑलिव ऑयल मिलाकर मिक्स कर लिया अच्छे से एंड उसकी अपने स्कैल्प पर मसाज करें, उससे बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। थर्ड सॉल्यूशन है हमारा, प्याज से रिलेटेड है। प्याज को हम मतलब छील कर और उसको ग्रेट कर लें या मिक्सी में भी उसको थोड़ा हल्के से दरदरा पीस लें एंड उसको छलनी की हेल्प से हम उसको छान लें तो उसमें से जो रस निकलता है वो हमें 2 चम्मच रस चाहिए एंड उसकी हम अपने स्कैल्प पर मसाज करेंगे, उससे भी बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है, बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। फोर्थ सॉल्यूशन है हमारा आंवला। आंवला से रिलेटेड हम देखेंगे इसमें सॉल्यूशन एंड इस आंवला का जो मुरब्बा होता है उसको आप बालों के लिए खा सकते हैं क्योंकि वो बहुत भी अच्छा लगता है, खट्टा मीठा अच्छा लगता है आंवले का मुरब्बा। उसको आप मतलब बालों की हेल्थ के लिए वो खा सकते हैं उसको एंड चाहे तो कच्चा आंवला भी रोज खा सकते हैं एंड आंवले के तेल से बालों में हल्की मसाज करें, उससे बहुत अच्छा फ़र्क पड़ेगा। 5वां है हमारा एलोवेरा। एलोवेरा के सेवन करने से भी बालों को बहुत अच्छा पोषण मिलता है, इससे बाल घने और मुलायम होते हैं। 6 है हमारा अरंडी का तेल। जो अरंडी होती है उसका तेल मिलता है मार्केट में एंड उसको हम अपने स्कैल्प पर मसाज करेंगे तो उससे बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है एंड ये गिरते हुए झड़ते हुए बालों की जो रफ्तार है उसको कम कर देता है, मतलब बहुत कम बाल झड़ते हैं इससे। 7वां सॉल्यूशन है हमारा मेथी दाना। जो मेथी होती है हमारे किचन में, मेथी दाना जिसको हम कई सब्जियों में फ्राई करने के लिए भी यूज़ करते हैं, तो वही मेथी दाना हम बालों में लगाने से हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है वो मेथी दाना। मेथी दानों को रात को भिगो दें एंड सुबह उसको पीस लें, उसका पेस्ट बना लें एंड बालों में अप्लाई कर लें और उसको 1 घंटे के बाद फिर धो लें, तो उससे बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है बालों में। 8वां सॉल्यूशन है नारियल का दूध। जो हमारा नारियल होता है कच्चा नारियल, उसको पीस लेते हैं, उसमें से जो पानी निकलना है निकलेगा वो नारियल वाला दूध रहेगा, तो उस नारियल के दूध से भी हमारे बालों को बहुत पोषण मिलते हैं। नारियल के दूध से हफ्ते में एक बार आप नारियल के दूध से अपने हेड मसाज कर सकते हैं, उससे बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। हफ्ते में एक बार तो बालों की मसाज जरूर करें नारियल के दूध से। 9th है आलू। आलू में विटामिन ए, बी और सी का भंडार होता है। इसके रस को बालों में 1/2 घंटे के लिए लगाएं और फिर धो लें, इससे भी बालों में बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। 10th हमारा जैतून का तेल। जो जैतून होता है उसका तेल मिलता है मार्केट में, मिल जाता है आसानी से, तो जैतून का तेल जो होता है उसकी आप कम से कम 3 दिन में एक बार तो उसकी मालिश ज़रूर करें। जैतून के तेल से रात को मालिश करें एंड सुबह उसको
हेड वॉश कर लें, और इसको लगाने से ना जैतून के तेल से हर तरह का पोषण बालों को मिल जाता है, और इससे बाल बहुत ही घने, मुलायम और सॉफ्ट हो जाते हैं, एकदम शाइनी शाइनी। ग्यारहवा है हमारा नारियल। नारियल का जो नारियल और शीशम का जो तेल होता है उसमें गुड़हल का फूल का पेस्ट मिला लें एंड उसको बालों में 15 मिनट के लिए लगा लें। उससे भी हमारे बालों को बहुत अच्छा पोषण मिलेगा एंड बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। बारहवा है हमारा मेहंदी। मेहंदी बालों को कलरिंग भी करती है, पोषण भी देती है, और मेहंदी हमारे बालों को मुलायम भी करती है और शाइनी भी करती है। सप्ताह में एक दिन तो ज़रूर मेहंदी लगाएं। 13 सॉल्यूशन है हमारा, मेहंदी में अंडा और चाय पत्ती का पानी मिलाकर उसको रात भर लोहे की कढ़ाई में भिगोने के लिए रख दें एंड सुबह उसको अपने हेयर्स पे अप्लाई कर लें, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 14 है हमारी, पकी हुई जो नाशपाती होती है उसको मैश करके उसमें जैतून का तेल और उसमें केला मिलाएं और सिर पर लेप करें, इससे सिर की त्वचा को भी बहुत पोषण मिलेगा। 15 है, पंसारी की दुकान पर मिलने वाले पटसन के बीजों को रात भर भिगोकर रखें, सुबह उन्हें उबाल लें और उस उबाले हुए पानी से बने जेल को सिर पर लगाएं, इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। 16 है सीकाकाई, मुलायम और काले बालों के लिए सीकाकाई भिगोकर रखें और उसे बालों पर लगाएं, बाल काले और घने होंगे। 17 है रीठा और आंवला भी बालों को पोषण देते हैं, इनका पेस्ट बनाकर बालों पर लगाएं, इससे बालों को पोषण मिलेगा। 18 है तिल का तेल, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, इसके तेल की मालिश बालों की जड़ों में करें, बाल घने हो जाएंगे। 19 है सरसों का तेल, सरसों के तेल को गर्म करके उसमें नारियल का तेल, तिल का तेल, अरंडी का तेल मिलाएं और इस सुपर तेल से सिर की मालिश कर बालों के लिए हर तरह से फ़ायदेमंद है ये सुपर तेल। 20 है नारियल का तेल, नारियल के तेल में एलोवेरा जेल मिलाकर बालों की जड़ों में मिलाएं, इससे बाल भी लंबे होंगे और उनकी उम्र भी बढ़ेगी। 21 है अरंडी का तेल, अरंडी के तेल में विटामिन ई का कैप्सूल तोड़ कर मिलाएं और इसे सिर में लगा लें, ये बालों के लिए ज़रूरी पोषक की तरह काम करता है। आपके किचन में ही मिलने वाली ये चीज़ें आपके बालों के लिए कितनी ज़रूरी हैं ये बात आप जान पाएंगे जब आप अपने बालों को लंबा होता देखेंगे।